नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिफ्यूजन दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि सिंपल डिफ्यूजन तो वैसे ही होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो स्पेसिफिक परमीएजेस की सहायता से होता है। अब आज हम लोग एक अनदर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की ऑस्मोसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ वाटर चैनल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हो सकते हैं। द टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन occurs due to the differences in the concentration of the solute on its either sides. अब ये जो water molecule का जो to और fro जो movement हो सकता है plasma membrane के through, वो कैसे होता है? Solute की जो concentration का जो differences होता है उसके base पे होता है। कैसे होता है वो अपन discuss करते हैं। The process by which water molecule pass through a membrane from a region of higher water concentration to the region of lower water concentration is known as osmosis, and it is a Greek word means osmos means pushing. अब होता क्या basically, ये आप ये देखिए एक beaker है, इसमें क्या है कि ये आपकी है ना जो plasma membrane है जो कि selectively permeable membrane है, इसमें आप ये देखिए यहाँ पे जो उसका शुगर का सॉल्यूशन बना हुआ है जिस जो कि कंसंट्रेटेड है, यानी मींस क्या है, इसमें सॉल्यूट जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी है वो कम है। इधर आप ये देखिए कि इसमें क्या है, वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, यानी क्या है, इसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि यहां से जो पानी है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी सांद्रता ज्यादा है, या अपन कहते हैं सॉल्यूट की जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, या अपन कहें शुगर की जिसमें कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की जो हायर कंसंट्रेशन है वहां से वाटर कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। अर्थात क्या हो रहा है, इसमें सॉल्वेंट जो है जो कि वाटर है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, या इन अदर वर्ड्स कहें अपन सॉल्यूट की जो लोअर कंसंट्रेशन से जो वाटर है वो सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब ये ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है? सो द ऑस्मोसिस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है, एंडोस्मोसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इन टू द सेल is known as endosmosis. यानी क्या हो रहा है, इसमें जो water molecule है वो cell के अंदर enter हो रहा है, जिसको हम कहते हैं endosmosis. दूसरा इसका exosmosis, जिसमें क्या हो रहा है कि this process involves the exit of the water molecules from the cell known as exosmosis. यानी क्या हो रहा है, इसमें पानी क्या हो रहा है, cell से बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग एक्सोस्मोसिस कहते हैं। इन प्लांट सेल्स ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सोस्मोसिस द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। यानी प्लांट सेल में क्या हो रहा है बेसिकली कि एक्सोस्मोसिस की वजह से, एक्सेसिव एक्सोस्मोसिस की वजह से साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में श्रिंक हो जाता है, कहां से, सेल वॉल से, और सेल वॉल से जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में श्रिंक हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लाज्मा मींस मोल्डेड एंड लाइसिस मींस लूजिंग। यानी प्लाज्मा क्या हो रहा है, मोल्ड होकर के लूज हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बेसिकली, सो जैसा मैंने बताया आपको कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर टेंड्स टू मूव
across a semi-permeable membrane from a solution of low solute concentration to one of high concentration, a process termed osmosis or osmotic flow. क्या हो रहा है? Low solute concentration से जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा है, वो high solute concentration में जहाँ पे कि पानी की मात्रा कम है, वहाँ पे जाता है, तो उसको हम कहते हैं osmosis. या फिर in other words कहें कि since solution with a high concentration of dissolved solute have a lower concentration of water, water will spontaneously move from a solution of high water concentration to one of lower. Yani high water concentration se water kahan ja raha hai? Lower concentration ki taraf ja raha hai through plasma membrane jo ki selectively semi-permeable membrane hoti hai. Ab osmotic pressure kya hota hai basically? Osmotic pressure is defined as the hydrostatic pressure required to stop the net flow of water across a membrane separating solution of different composition. In this context, the membrane may be a layer of cells or a plasma membrane that is permeable to water but not to the solids. Ab isme kya ho raha hai basically? Osmotic pressure kya hai basically? Ek hydrostatic pressure hai. जो क्या कर रहा है, किसके लिए आवश्यक होता है? टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ वाटर. यानी जब तक है ना जो ये फ्लो होता रहेगा, जब तक कि वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाती. तो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि वाटर कर रहा है. कब तक? जब तक कि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए. ठीक है. और इसमें मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर के लिए परमिएबल होती है लेकिन सॉलिड्स के लिए परमिएबल नहीं होती. अब आप ये देखिए, आप जैसे कि ये वाटर परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें सॉल्यूशन ए है जो सीए है. जो सीए की जो कंसंट्रेशन है वो सीबी से कम है. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? वाटर जो ट्रांसफर हो रहा है इधर, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या कर रहा है कि रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट नेट वाटर फ्लो. और ये क्या करेगा? बेसिकली नेट वाटर फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर आवश्यक होता है उसको हम कह रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर. सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. यानी क्या हो रहा है कि ये डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? कि सॉलिड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों तरफ मेम्ब्रेन के. For example, a 0.5 molar NaCl solution is actually 0.5 anions and 0.5 chloride ions. यानी इसमें क्या है? दोनों equal concentration में दोनों मौजूद है and has the same osmotic pressure as a 1 molar solution of glucose or sucrose. यानी यदि हम glucose और sucrose का यदि हम 1 molar solution बनाएं, तो उसकी जो concentration होगी वो 0.5 molar जो NaCl है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होती है. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या उन दोनों का बराबर होगा. अब बेसिकली टॉनिसिटी क्या होती है? बेसिकली टॉनिसिटी में क्या है? बेसिकली कि एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू अफेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम एंड प्रेशर विद इन अ सेल, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. यानी सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है और परमेबिलिटी है उसके ऊपर टॉनिसिटी डिपेंड करती है. और ये क्या करती है? बेसिकली फ्लूइड वॉल्यूम और प्रेशर को अफेक्ट करती है सेल के अंदर. अ सेल कंटेन्स वैरायटी ऑफ सॉल्यूट्स इन इट. फॉर इंस्टेंस द मैमिलियन एरिथ्रोसाइट्स कंटेन द आयंस ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट, डिसॉल्वड हीमोग्लोबिन एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस. यानी जो एरिथ्रोसाइट्स होती है इनमें ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें कि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट और डिसॉल्व हीमोग्लोबिन शामिल होता है. और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो होती है 0.9% NaCl जिसको हम नॉर्मल सलाइन होता है उसके बराबर होती है. और उसी के आधार पर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उसी के आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन पाए जाते हैं. पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या हो रहा है? बेसिकली इफ द इरिथ्रोसाइट इज प्लेस्ड इन 0.9% NaCl, जैसा मैं बता चुका हूँ कि इरिथ्रोसाइट्स के जो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl जो होता है उसके बराबर होती है. यानी इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर
बिल्कुल सेम होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लो होगा जो वाटर का वो होगा ही नहीं। सो इसमें क्या हो रहा है, इट इज द सॉल्यूशन विद द सेम सॉलिड कंसिस्टेंसी एज दैट ऑफ ए साइटोसोल ऑफ एरिथ्रोसाइट सेल, नाइदर श्रिंक और नोर स्वेल्स। यानी क्या हो रहा है, इसमें से ना तो पानी बाहर जा रहा है और ना पानी अंदर आ रहा है, तो सेल ना तो श्रिंक हो रही है और ना स्वेल हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि एरिथ्रोसाइट्स को यदि हम 0.9% NaCl में रखते हैं जो कि नॉर्मल सलाइन है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, जो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो आयंस है या फिर डिसॉल्व होमोग्लोबिन है उसकी कंसिस्टेंसी के बराबर होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द एरिथ्रोसाइट इज प्लेस्ड इन लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन परमिएटिंग सॉल्यूट्स NaCl देन दैट ऑफ द साइटोसोल। यानी क्या हो रहा है इसमें कि जब यदि हम एरिथ्रोसाइट्स को लोअर कंसेंट्रेशन में रखते हैं किसकी, NaCl की, जिसमें क्या है सॉलिड की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो अब उस केस में क्या होगा, जो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉलिड की कंसेंट्रेशन कम है वहां से पानी क्या होगा सेल के अंदर जाएगा। सो इससे क्या होगा, सेल अब्सॉर्ब वाटर स्वेल एंड मे बर्स्ट लाइस। यानी क्या होगा इसमें एंडोस्मोसिस होगा, सेल क्या करेगी वाटर का अवशोषण कर लेगी, फूल जाएगी और बाद में बर्स्ट हो जाएगी या अपन कहते हैं लाइस हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। तो इस वाले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसा मैंने बताया आपको कि NaCl की कंसेंट्रेशन कम होती है, यानी इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें से क्या होगा वाटर अपने हायर कंसेंट्रेशन से कहां जाएगा एरिथ्रोसाइट्स में एंटर होगा और एरिथ्रोसाइट्स क्या होगी फूल जाएगी और बर्स्ट हो जाएगी एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब यदि अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो इफ द एरिथ्रोसाइट्स इज प्लेस्ड इन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन परमिएटिंग सॉलिड्स, यानी इसमें यदि इसकी जो NaCl की जो हायर कंसेंट्रेशन में यदि रखे अपन, तो जिसमें क्या है देन दैट ऑफ द साइटोसोल है ना, जो जिसमें क्या है लोअर वाटर कंसेंट्रेशन होती है, यानी क्या हो रहा है इसको अपन ने कहा रखा कि जो कि हायर NaCl कंसेंट्रेशन में रखा जिनमें की पानी की मात्रा कम है, अब उसमें क्या होगा सेल से पानी बाहर आएगा और सेल क्या करेगी वाटर का लॉस करेगी और श्रिंक होकर के क्रिनेट होकर के एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये श्रिंक होकर के क्रिनेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम तीन जब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कुछ भी नहीं होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल बर्स्ट हो जाएगी और हाइपरटोनिक में सेल वाटर को लॉस कर देगी और क्रिनेट हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अपनी क्लास में भी करते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने आरबीसी लिया और क्या हुआ, हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही रखा वाटर साइज सेल के अंदर एंटर होगा और सेल बस्ट हो जाएगी। आप बस्ट वाले पिक्चर देख रहे हैं, आइसोटोनिक में सेल बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी, एरिथ्रोसाइट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा पानी बाहर निकल जाएगा और सेल श्रिंक होकर के क्रिनेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है, अब बिल्कुल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूली हुई है, आइसोटोनिक में बिल्कुल वैसे ही वैसे है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्रिनेट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे।